यूपी में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। प्रदेश में हर तरफ अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बरेली के नवाबगंज के बीजामऊ गांव का है, जहां लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने बुजुर्ग प्रधान सुंदरलाल और उनकी पत्नी तोला देवी की हत्या कर दी। घटना स्थल को देखकर लग रहा है कि दंपति ने लूट का विरोध किया होगा, जिस वजह से बदमाशों ने दंपति के हाथ पैर और मुंह बांधकर गला दबा दिया होगा। दोनों के शरीर पर चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ पे बस हत्या कर दी गई मेरे दादा दादी जी की। कैसे, किस हालत में पाया आपने? हम आए तो काफी पब्लिक यहाँ थी, हम काफी बाद में आ पाए थे। फिर क्या देखा आपने? फिर देखा बस हाथ बंधे हुए थे और चोट भी थी उनके। एक ही चारपाई पे थे लोग? नहीं नहीं, अलग अलग थे। तो ये प्रधान? हाँ, पहले प्रधान रह चुके हैं। हत्या क्यों की गई? हत्या मैं क्या बता सकती हूँ क्यों की गई है। तो सामान वगैरह भी कुछ गया है क्या? कुछ लूटा गया ऐसा लग रहा है आपको? सामान में सलवारी खुली हुई है और सामान वगैरह कुछ नहीं ले गए। अभी तक सूचना मिली थी कि ये बुजुर्ग हैं, पति पत्नी दोनों यहाँ अकेले रहते हैं, बड़ा सा घर है और इनका चार लड़के हैं, जिसमें दो तो दिल्ली रहते हैं, एक की डेथ हो गई है और एक यहीं गाँव में अलग अपना घर बना कर रहते हैं। तो सूचना मिली तो यहाँ फोर्स आई, पहले हम लोग देखे तो यहाँ इनके गला दबा के मारने की भी बात आ रही है और घर में अलमारी वगैरह खुली है, तो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और जांच की जा रही है कि इसमें चोरी का है कारण या कोई और विवाद भी हो सकता है प्रॉपर्टी का। तो इस दोनों तथ्यों पे हम लोग इस पे जांच कर रहे हैं। अभी थे लूट का विरोध करने की कोई ऐसे निशान भी नहीं है, कोई जहरा चोट भी नहीं है बाहर से, और बेड पे ही मिले थे लोग। तो अब जांच में देखते हैं क्या निकल के आता है। भीम मनोहर की एक रिपोर्ट।